हाय, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको लेकर आई हूँ कल्पना चावला तारामंडल। सभी को पता ही होगा ये कुरुक्षेत्रा में है। ज्योतिषर तीर्थ जब हम जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है भाखड़ा नहर से पहले। तो मैं आप सबको बताती हूँ इसके बारे में कि गवर्नमेंट ने इसे 5 एकड़ जमीन में 6.5 करोड़ रुपए में बनाया है और ये देखने में बहुत प्यारा है। यहाँ पे एक प्लैनेटेरियम है और उसके बैक साइड पे यहाँ पे साइंस पार्क है। तो यहाँ पे मैं साइंस पार्क में ही खड़ी हूँ इस टाइम पे। प्लैनेटेरियम लेकर चलती हूँ पहले आपको और फिर मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। राशि प्रश्नोत्तरी, यहाँ पे एक स्टार्ट बटन हमें दिया होता है तो उसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्स के एक शेप दिखाई देती है। आप नीचे से उस राशि का बटन प्रेस करो तो आपको आंसर पता लग जाता है कि वो राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट उन्हें एक बैनर के बारे में कि जो कल्पना चावला ने एक बैनर लेके आना था स्टूडेंट और टीचर से रिलेटेड, तो वो कभी बन नहीं पाया तो उस चीज को यहाँ पे शो किया हुआ है। ये है कल्पना को श्रद्धांजलि। इसके ऊपर एक यहाँ पे मूवी चल रही है और इसके अलावा यहाँ पे है जिनको श्रद्धांजलि दी हुई है उस चीज को शो किया हुआ है। ये है खगोल प्रश्नोत्तरी। यहाँ पे सामने आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं तो यहाँ पे ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए बी एंड सी, जिससे आप यहाँ पे इनके आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड टाइम शो किया हुआ है। यहाँ पे 4 वॉचेज हैं, न्यू दिल्ली, टोक्यो, लंदन एंड वॉशिंगटन। ये अलग अलग टाइम बता रही है उस जगह के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा यहाँ पे एक चीज है, ये स्क्रीन है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है कि जिस भी जगह का टाइम है वो कैसा है, लेकिन वो वर्क कैसे करता है। यहाँ पे एक बॉल है, इस बॉल को जब आप रोटेट करते हैं तो ये देखिए सामने स्क्रीन पर, जिस भी कंट्री के ऊपर आप उसे लेकर जाएंगे तो ये वहां का टाइम आपको शो कर देती है। बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे ये पिक्चराइज किया हुआ है विश्व अंतरिक्ष अभियान के मील पत्थर। एज यू नो मैं साइंस में कितनी अच्छी हूं। तो आगे चलते हैं। बस पिक्चराइज ही किया हुआ है यहाँ पे कुछ चीजों को जो स्पेस से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे माइलस्टोन्स इन इंडियन स्पेस मिशन, तो ये यहाँ पे पिक्चराइज किया है। एक यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, पृथ्वी पर मौसम। तो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर और यहाँ पे साइड में बल्ब्स हैं 3 और यहाँ पे है अर्थ। तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसे अगर हम प्रेस करते हैं तो ये जो बल्ब्स हैं, जैसे फर्स्ट लाइट ऑन हुई तो ये अर्थ पे जहां पे भी लाइट आपकी पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग वहां का टेम्परेचर बता देता है। तो नेक्स्ट जैसे सेकंड पे हुआ तो सेकंड के अकॉर्डिंग वहां का टेम्परेचर बताएंगे, थर्ड के अकॉर्डिंग वहां का टेम्परेचर यहाँ पे शो कर देते हैं। अब ये है नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये देखिए पता नहीं क्यों बीच में हमारी वीडियो खराब करने आ जाते हैं ये। तो ये है योर वेट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। तो यहाँ पे एक मशीन है, वेइंग मशीन, इसके ऊपर आपको खड़े होना है और आपको यहाँ पे आपका वेट पता लग जाएगा। तो बाकी जो भी आपका अर्थ पे वेट है उसके बाद आप यहाँ पे जिस भी प्लैनेट का नेम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका वेट पता लग जाएगा कि आपका वेट उस प्लैनेट पे कितना है। आइए आइए सर, आइए सर, आइए। तो सर अपना वेट दिखा रहे हैं हमें,
यहाँ पे इनका है 78 वीनस पे दिखाएंगे, इन्होंने वीनस प्रेस किया तो वीनस पे है इनका 71। नेक्स्ट कोई ऐसा बताइए ये कौन सा प्रेस किया है, प्लूटो पे देखिए इनका कितना है। तो ये जो पीछे मैंने आपको दिखाया था कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे आपका वेट, अब मैंने अपना वेट इसलिए नहीं करके दिया क्योंकि हम अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए हमने सर को पेश किया आपके सामने। तो यहाँ पे एक बना रखा है दिन और रात, यहाँ पे क्या सिस्टम है कि यहाँ पे एक बल्ब दिया हुआ है और इसके सामने है अर्थ, तो इसमें से जो लाइट अर्थ के जिस एरिया पे जाती है तो वो एक तरह से शो कर रहा है कि ये दिन है और इसके अपोजिट आपको रात दिखाई देती है। यहाँ पे जो ग्रीन लाइंस हैं ये जो शो कर रही हैं कि ये दिन है, रेड लाइंस आपको रात का शो करती हैं। बस इसी तरीके से एक व्यू दिखा रखा है यहाँ पे दिन और रात का सिस्टम कैसा होता है। तो यहाँ पे जो अंदर का व्यू था वो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये जो मेरे पीछे एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग मतलब एक एरिया बना हुआ है, वो एक प्लैनेटेरियम है वहाँ पे अंदर। तो एक ऑडिटोरियम में जिस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट होता है वहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं और एक प्रोजेक्टर है। तो ऊपर की साइड क्या है कि आपको जो भी अंतरिक्ष का व्यू होता है वो सारा का सारा एक प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है, तो आपको लगता है कि जैसे आप स्पेस में ही हैं। तो मैंने अम्बाला में वो चीज़ देखी हुई है बट यहाँ पे वो चीज़ वर्क नहीं कर रही क्योंकि उनकी मशीन ख़राब है। तो ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने से वो बंद है तो यहाँ पे शो नहीं वो दिखा रहे। तो बस फिलहाल इतना ही, बाकी हम बाहर का भी आपको दिखाते हैं। तो ये है यहाँ का साइंस पार्क, बहुत प्यारा है। और यहाँ पे एक शेड्स बनी हुई हैं, इन शेड्स में एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे पिक्चराइज किया हुआ है जैसे राशियाँ हैं, तारे हैं। एक शेड ये है, नेक्स्ट वन इज दिस, इसमें भी देखो कुछ ना कुछ पिक्चराइज किया हुआ है। और ऐसे ही यहाँ पे 4 शेड्स हैं टोटल, और चारों शेड के नीचे कुछ ना कुछ यहाँ पे राशियों का और तारों का बताया हुआ है। जैसे तारों की शेप होती है ना, तो वो एक राशि बनती है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है। ये सप्तऋषि, ध्रुव तारा, तो इस तरीके से ये सब बताया हुआ है यहाँ पे। जो टोटली एक तारामंडल की बात होती है तो यहाँ पे वही चीज़ सारी की सारी शो की हुई है। अब ये देखें यहाँ पे इसे लिखा हुआ है खगोलीय छतरी। बाकी व्यू बहुत अच्छा है, शांति है यहाँ पे, मन अच्छा लग जाता है यहाँ पर आकर। अब ये देखिए जैसे ये एक बेबी यहाँ पर बैठा है, हाय तो ये है सम्राट यंत्र, यहाँ पे ये सम्राट यंत्र बनाया हुआ है। ये अंदर भी एक छोटा सा मॉडल है सम्राट यंत्र का, तो यहाँ पे इसको बनाकर दिखाया हुआ है, तो अच्छा है काफी व्यू। साइंस पार्क में सबसे पहले मैं आपको चीज दिखाती हूँ, ग्रेविटी वेल। ये है ग्रेविटी वेल, इसमें यहाँ पे एक बॉल दी हुई है, इस बॉल को मैं ऊपर लेकर जा रही हूँ और यहाँ से मैं इसको छोड़ दूंगी। अब ये इसमें सर्कुलेट होकर ये जा रही है इसके अंदर ही अंदर। इसकी वर्किंग मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे जितने भी ग्रह होते हैं तो वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो जो सूर्य के जितने ज़्यादा क्लोज होते हैं वो उतनी ही तेज़ी से उसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये उस चीज़ के ऊपर बेस्ड है यहाँ पे। ये रही उसकी डिटेल। यहाँ से इसके बाद जैसे यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ यहाँ के बारे में। जैसे मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है, जैसे बच्चों के लिए तो खेलने की जगह है पार्क, तो ऑब्वियसली बात है। तो जो भी यहाँ पे अगर कोई झूला है या कुछ भी है तो वो एक साइंस पे डिपेंड करता है। तो आगे लेकर चलती हूँ मैं, मुझे भी कुछ नया नया देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा है मेरे लिए। तो बाकी आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप आएंगे विजिट करेंगे। जस्ट लाइक दिस एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है सूर्य घड़ी। ये सूर्य घड़ी, साइंस के बच्चे तो बड़े अच्छे से पहचान जाएंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे इसकी सारी वर्किंग बताई हुई है, इसकी डिटेल है टोटल। दोपहर 12 बजे के पहले बाएं किनारे की छाया से एवं 12 बजे के बाद
दाहिने किनारे छाया किस से पठन ले, मतलब वही चीज आप जब घूमकर देखेंगे तो वो किस तरीके से शेडो का वर्क होता है, तो वो उसी चीज के ऊपर है ये। कुछ ऐसे खाली एरिया है और यहाँ पे बता रखा है चक्रव्यूह। तो हम यहाँ से अगर एंटर करेंगे तो ये अगर मैं दिखा पाऊँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, तो यहाँ पे चक्रव्यूह बनाया हुआ है। तो मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि यहाँ पे वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है अंदर की तरफ, जो प्लानिटेरियम है। उन्होंने कहा था कि आप फोटोज ले सकते हैं, बट मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर थोड़े सा शूट किया है आपके लिए। तो आप सब यहाँ पर आए, खुद देखें, एंजॉय करें, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और सीरियसली मतलब ऐसा नहीं है कि बोर लगता है, मैं खुद अच्छी नहीं हूँ साइंस में, लेकिन जब भी मैं कुछ ऐसा देखती हूँ तो वहां पे डिटेल्स देखती हूँ जब मैं किसी चीज की, तो मुझे भी बहुत मजा आता है। तो आप यहाँ पे जरूर आए और विजिट करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो जो यहाँ पर नहीं आ सकते या फिर आना चाहे या आने की सोचे, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो यहाँ पर आने के लिए अपना मन बनाए और आकर इसे जरूर देखें। तो इसी तरह से बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।